हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं बनाने वाली हूँ रेड वेलवेट पे वेरी बेरी क्रश के साथ कुछ नया। इसका टेस्ट बहुत यूनिक और बहुत अच्छा, एकदम यमी सा टेस्ट आता है इसके साथ। तो ये मैंने रेड वेलवेट की प्रीमिक्स से बेस बना लिया है। अभी मैं उसको कट कर रही हूँ, ये मैं अभी 2 पीसेज में इसको कट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने घर के लिए छोटा सा ही केक बनाना है। तो मैं इसको अभी 2 ही पीसेस में रख रही हूँ, ये देख सकते हैं आप। तो मैंने अपर लेयर को पहले नीचे रख लिया है, अब इसके ऊपर मैं अभी आइसिंग करूँगी। तो पहले मैंने पानी में ना क्रश मिला लिया है, वेरी बेरी क्रश, इससे टेस्ट बहुत इन्हेंस होता है केक का। तो ये देखिए, मैं इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा स्प्रेड कर रही हूँ, जिससे कि स्पॉन्ज बहुत ही और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। और अब इसके ऊपर मैं डालूँगी क्रीम। क्रीम डाल के इसको हम लोग को अच्छे से सेट कर लेना है दोनों लेयर्स को। और इस पर मैं क्रश भी यूज़ करूँगी अभी इसके ऊपर से। ये देखिए, ये मेरा वेरी बेरी का क्रश है। और मैं सेकंड लेयर पे भी सेम प्रोसेस कर रही हूँ। ये मैंने क्रश वाटर डाल दिया इसके ऊपर। इसके जगह आप शुगर सिरप भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यही यूज़ करती हूँ क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये देख सकते हैं आप, अभी मैं इसको क्रम्ब कोट करके थोड़ी देर फ्रिज पे सेट होने के लिए रख दूँगी। देन फिर मैं इसका आइसिंग करूँगी, उससे ना आइसिंग बहुत अच्छे से होता है। और यहाँ मेरे हस्बैंड बीच में आके मेरे को बोल रहे हैं मैं अभी करूँगा आइसिंग दो, तो वो करने लग गया, क्योंकि ये घर में घर के खाने के लिए था, तो मैंने उनको दे दिया ये करने के लिए। बाकी मेरे ऑर्डर्स का केक रहता है ना, तो मैं बिल्कुल ऐसे इनको गंदा करने नहीं देती हूँ। खैर, शौक है सबका अपना अपना, देखते हैं ना, कोई भी बनाते किसी को तो मन करता है। तो उनसे हुआ नहीं, तो फिर मैंने ये फिर से आइसिंग किया अच्छे से, तो आप देखते जाओ। ये मैंने केक को सेट करके रखा था थोड़ी देर, इसके बाद मैं इसको अच्छे से फिनिशिंग दे रही हूँ अभी। इसको फिनिश करने के बाद इसके ऊपर अभी मैं रोज़ बनाऊँगी क्रीम से ही, वो फिर इसके ऊपर लगाएंगे। तो सारे सरफेसेस को अच्छे से आप इवन कर लीजिएगा। और क्योंकि हम लोग थोड़ा लेस क्रीम में खाना चाहते थे, तो मैं बहुत ज़्यादा साइड्स पे क्रीम नहीं लगाई, जो क्रम्स दिख रहे थे वो दिखने दिया, क्योंकि घर के खाने के लिए था ये। सो बहुत ज़्यादा एकदम से मैं क्रीम ज़्यादा यूज़ नहीं की, क्योंकि ज़्यादा क्रीमी क्रीमी सा पसंद भी नहीं करते हैं खाने में घर पर। तो बस ये आइसिंग हो जाएगी, फिर इसके ऊपर मैं रोज़ जो बनाई हूँ वो रख दूँगी। तो यहाँ मैं रोज़ रख दी हूँ, और अब इस पर मैं साइड साइड पे ग्रीन ग्रीन से लिप्स बनाऊँगी, क्योंकि ऐसे मेरे को अच्छे नहीं लगते, रोज़ खाली खाली से लगते विदाउट लिप्स। तो मैं अभी इस पर लिप्स बना रही हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं। और यही बस मेरा थोड़ा क्रीम बचा था, उस पर मैंने ग्रीन कलर डाल के ना रोज़ के साइड साइड पर लिप बना दिया है। और ये मैं कुछ नया ट्राई कर रही थी, बस घर का था तो कुछ भी कर रही थी इसके ऊपर, ऐसा कुछ थीम वाइज मैं रखी नहीं थी। जो मन कर रहा था इस केक के ऊपर ना, मैं करते जा रही थी बस। तो कुछ लास्ट में इस टाइप का बन के निकला ये। और अभी इसके ऊपर मैं गोल्ड डस्ट पफ कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छा शाइनी इफेक्ट आता है केक पर, देख सकते हैं आप लोग। ऐसे डस्टिंग कर दो ना जब गोल्ड से, तो बहुत प्यारा लगता है ये, तो ये देख सकते हैं आप लोग। और इसके बाद मैंने इसके ऊपर ऐसे वाइट कलर के शुगर बॉल्स डाल दिए, तो ये बहुत अच्छा दिख रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे पर्ल्स रखे हुए हों वाइट कलर के, जैसे वाइट मोती होती है ना वैसी, बट ये शुगर बॉल्स हैं, ये हम लोग खा सकते हैं। तो ये मेरा कुछ केक का फाइनल लुक इस टाइप का है, ये आप लोग देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।